हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम अली और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विंडोज़ के डिस्क पार्टीशन को लॉक कर सकते हैं या फिर उनको हाइड कर सकते हैं, जिनसे कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर ओपन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो ड्राइव्स है, एक सी जिसके अंदर हमारी विंडोज़ इंस्टॉल है और एक ई जिसको हमें लॉक करना है। आप चाहो तो किसी पेन ड्राइव को भी सेम मेथड से लॉक कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी यहाँ पे फाइल है, तो अब हमें इसको लॉक करना है। तो इसको लॉक करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टर्न ऑन बिट लॉकर, इस पर क्लिक करो। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आप इस ड्राइव को अनलॉक करना चाहते हो वो किस मेथड से करना चाहते हो, या तो आप मैनुअली पासवर्ड डालो या फिर एक स्मार्ट की बना लो। जैसे आप उसको प्लग करोगे जो आपका ड्राइव है वो अनलॉक हो जाएगा, जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से हम विंडोज़ के जो पासवर्ड है उसको अनलॉक कर सकते हैं एक पेन ड्राइव की मदद से। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पासवर्ड को, तो हमने पे पासवर्ड पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा पासवर्ड इसमें डाल देना है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, सेम पासवर्ड हमें रिपीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी आपको रिकवरी की को सेव करने के लिए बोल रहा है। बेसिकली इसका काम क्या है कि अगर गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इस की को यूज करके अपने डेटा को बिना लॉस किए उस ड्राइव को फिर से रिकवर कर सकते हो। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो जो हमारी की है वो सेव हो गई। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट इनक्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा जो ड्राइव है आप देख सकते हो वो लगभग 1 GB का है। अगर आपका ड्राइव बहुत ज़्यादा बड़ा है, 100 GB 200 GB का, तो हो सकता है जो इनक्रिप्ट होने में थोड़ा टाइम ले ले, क्योंकि ड्राइव के हिसाब से ही टाइम लेता है। अगर आपके ड्राइव में कुछ भी डेटा नहीं है फिर भी आपका जो साइज़ है ड्राइव का वो बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसलिए मैंने इसको 1 GB रखा ताकि आपका टाइम बच सके। तो हमारा जो ड्राइव है वो इनक्रिप्ट हो चुका है, हम इसको क्लोज कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका आइकन है वो भी चेंज हो गया। अब जैसे हम अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो हम अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेते हैं। हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है, तो हम फिर से जाते हैं कंप्यूटर के अंदर और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पार्टीशन है लॉक हो चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपसे की मांगेगा। तो अब यहाँ पे अगर आप कोई भी गलत पासवर्ड डालते हो तो ये अनलॉक नहीं होगा जब तक कि आप एक करेक्ट पासवर्ड इसमें इंटर नहीं कर देते। तो हम इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, ये अनलॉक हो गया और इसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा सेफ है। और अगर आप इस पासवर्ड को हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, मैनेज बिटलॉकर पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ से आप इस पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो सेकंड मेथड में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे ड्राइव है इनको हम हाइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं जो कि आपके पासवर्ड को बाईपास कर जाते हैं। तो अगर ऐसे केस में उसको यही ना पता हो कि इसमें कोई ड्राइव है भी या नहीं, तो उस केस में आपका जो डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आ जाना है, उसके बाद कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, फिर मैनेज पर क्लिक करना है, उसके बाद
स्टोरेज में जाना है और उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम जो पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो हमें सेम विंडो पे आना है जहाँ से हमने पार्टीशन क्रिएट किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दो ड्राइव है, एक सी और एक ई, जो कि हमारे बिटलॉकर से इनक्रिप्टेड है। तो हमें इसको हाइड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज ड्राइव लेटर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो ड्राइव का लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमें इसको रिमूव कर देना है। जैसे आप इसको रिमूव करते हो तो आपका जो पार्टीशन है वो हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका पार्टीशन है वो हाइड हो चुका है, जबकि आपके यहाँ पे वो पार्टीशन यहाँ पे सेव है। अब इसको दोबारा से यहाँ पे आपको शो कराना है, तो वो कैसे कराओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, फिर से चेंज लेटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको एक लेटर असाइन कर दो। तो जैसे हमने इसको लेटर को असाइन किया तो जो हमारा पार्टीशन था वो फिर से विजिबल हो गया और इसके अंदर जो भी डेटा था वो वैसा का वैसा ही है, तो हमारा डेटा भी लॉस नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपने पार्टीशन को लॉक कर सकते हो या फिर उनको हाइड कर सकते हो, जिससे आप अपने डेटा को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।